नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विरोधियों पर खूब बरसे और इसकी वजह भी है, जब विरोधी ध्रुवीकरण की राजनीति पर आमादा हो जाएं तो उन्हें जवाब मिलता भी है और वही जवाब सीएम कई मंच से समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। सोमवार को भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बोले तो अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर उन्हें घेरना नहीं भूले। सीएम ने यूपी चुनाव को सीधे सीधे दो फाड़ यानी कि जिन्नावादी और राष्ट्रवादी में बांट दिया है। जाहिर है ये वो दो शब्द हैं जो यूपी चुनाव को दो अलग अलग तरीके से सोचने वालों को सीधे सीधे अलग करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या 22 तक जिंदा रहेगा जिन्ना का जिन? राष्ट्रवाद वर्सेस जिन्नावाद के मुद्दे पर होगा यूपी का चुनाव और 22 की बिसात के लिए क्या जिन्ना के साथ की जरूरत है, इन्हीं सवालों पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम ने कैसे अपने विरोधियों को घेरा। सीएम योगी ने गोरखपुर में एक बार फिर अखिलेश के बयान पर जमकर तंज कसा। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा? कारण साफ है, एक तरफ भारत की आन मान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन मान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को माफियाओं को संरक्षण देने पर भी जमकर बोला। प्रदेश जो कभी दंगों के लिए विख्यात था, जिस प्रदेश में माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, जिस प्रदेश में माफिया की जहां मर्जी आती है उस जमीन पर कब्जा करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके किसी इन सभी माफियाओं की गिंगी कैसे बन चुकी है, किसी के ऊपर बुलडोजर चलता है और किसी माफिया को प्रदेश छोड़कर के भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 4.5 वर्ष में कोई दंगा न होना, माफियाओं को उसकी सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई करना इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी है, मजबूत इरादों की सरकार दी है। दरअसल अखिलेश के बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और इसी क्रम में सोमवार को गोरखपुर के बीजेपी बूथ सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर निशाना साधा। टीम न्यूज स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझ लिया होगा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सैफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। दीपक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। आज गोरखपुर का पूरा दिन सियासी दिन रहा और उस दौरान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, वो दोनों विरोधियों पर खूब बरसे। मैं चाहूँगा संक्षेप में आप आज जो कुछ भी हुआ वो बताएं। देखिए, आज गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर के लगभग 28,000 गोरखपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें, जिसमें 10 जिले आते हैं बीजेपी के हिसाब से, उसके 28,000 बूथ लेवल के अध्यक्षों को आज इस मीटिंग में बुलाया गया था और ये एक सम्मेलन था लेकिन बाद में ये सभा में तब्दील हो गया। और इस सम्मेलन में सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद बनाम
जिन्नावाद की बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सीधे तौर पे कहा कि अगर आप अब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों के बीच में विपक्ष का वो चेहरा दिखाइए जो जिन्ना का समर्थन करता है और अपने सरकार की उन तमाम उपलब्धियों को बताइए जिसकी वजह से 5 साल में प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। और इसी मुद्दे पर बूथ लेवल के अध्यक्ष अब 2022 के चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के अब लोगों के बीच में बीजेपी जा रही है और विकास की बातों को लेकर के राष्ट्रवाद की बातों को लेकर के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शुभम, ठीक है दीपक, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल यही है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की उस जनसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब आगे की जो लड़ाई है वो राष्ट्रवाद वर्सेस जिन्नावाद की है, तो जो जिन्नावाद की छवि आपकी बताई उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा था जब आप भाषण सुना रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हो। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चिल्ला रहा हो और ये कह रहा हो कि उत्तर प्रदेश में हमारे आते ही माफिया राज शुरू हो गया। बिल्कुल सही है, आपके आते ही माफिया राज शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कहाँ है आपका बुलडोजर जब लखीमपुर खीरी में जो देश का गृह राज्य मंत्री जिस पर आरोप लगता है किसानों के रौंदने का उनके बेटे के ऊपर में, तब तो आपका बुलडोजर नहीं आता है, किधर चला जाता है? लंबी लंबी बातें बताते हो। आपके ही शासनकाल में किस तरह से हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात के अंधेरे में ही जला दी, उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपके ही शासनकाल में गोरखपुर में पुलिस वाले ने घुस के होटल के अंदर में मार डाला, ये अपराधी नहीं है, अपराध राजनीति तो क्या है? आपके ही शासनकाल में किस तरह से लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी को मारा गया था? आपके ही शासनकाल में किस तरह से महिलाओं का जो आप उन्नाव की घटना अगर आपको याद हो और लखनऊ की घटना याद हो तो किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा? मैं तो पूछना चाहता हूँ, शासन तो आपका ही था जब कोविड काल यहाँ पे था और कोविड काल में यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट माफिया पैदा हो गए थे। नहीं तो आप अपनी जो जिन्नावाद की छवि वो बता रहे हैं उसको कैसे तोड़ेंगे, उसका खंडन कैसे करते हैं? उसमें भी आ रहा हूँ। एक बात पूरी कर दूं, आपके दो सवाल थे, कैसे यहाँ भूल जाएगा कि आपकी नाकामी की वजह से ऑक्सीजन समय से नहीं देने से लोगों की मौतें हो गई? कैसे भूल जाएगा कि यहाँ पे शराब माफिया राज पैदा हो गए जिससे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई? कैसे यहाँ पे लोग भूल जाएंगे कि यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट माफिया पैदा हो गए जिसकी वजह से यहाँ लगातार आप देखिए बुखार से लगातार लोगों की मौतें हो रही है? और जहां तक आप बात करें जिन्ना की, शायद इनके दिमाग का इनके दिमाग में घुस गया है जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि अटल आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, जिन्ना के बारे में किताब पढ़ी थी तो किताब लिखी थी, शायद उसको पढ़ लें जिनको पता चल जाएगा। ये वो लोग हैं जो सुबह से उठते ही हैं और जनता की समस्या की बात नहीं करते, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बेरोजगारी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजीव मिश्रा लगातार जुड़े हैं। संजीव जी कर रहे हैं, अरे भैया ठीक, मैं वापस आऊंगा। संजीव जी जिस तरीके से देखिए उन्होंने एक से लेकर और 10 तक जाने कितने मुद्दे आपके खिलाफ उन्होंने गिना दिए कि इस तरीके की छवि आपकी है। नहीं देखिए, उन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं ये इनके लिए मुद्दे होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार इनको इनके कार्यों का हिसाब दिया है। 2017 में जिस तरीके से 50 के नीचे 47 पे आ गए, ये तो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे, ये 19 में बसपा से गठबंधन कर रहे थे, जब कुछ नहीं चल रहा तो फिर अब जिन्ना का नाम ले रहे हैं और जिन्ना के इतने बड़े समर्थक हो गए और उसके बाद जब जिन्ना की बात आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इनके ये भाग रहे इधर उधर। ये गायत्री प्रजापति को सजा हो गई उसका नहीं जिक्र करेंगे? इन्होंने जिस तरीके से फ्लॉप काम किया, आज ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, 2017 में तो ये कह 2012 में जब इनकी सरकार बनी तब तो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अरे 5 साल की सरकार में पहले बताओ कि मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर क्यों झूठ बोला, क्यों मुसलमानों को धोखा दिया, क्यों हाई स्कूल के बच्चों को एक भी टेबलेट न दे करके नौजवानों के साथ धोखा दिया? इसलिए धोखा किया क्योंकि वो वोटर नहीं थे और उन्होंने जवाब दिया। 2017 में 50 के नीचे 47 पे आ गए, फिर भी शर्म नहीं आ रही, ये किस तरीके की बातें कर रहे हो? 4 साल 5 साल में ट्वीट तो राजनीति करने वाले हमको बता रहे किस तरीके से कोरोना काल में देश और प्रदेश की सरकारों ने काम किया वो नहीं इनको दिखाई देता? उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझ रही है और बार बार इनको जवाब दे रही है, लेकिन ना जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं जिस दल की, वो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बात बता रहे हो? तो कहने का मतलब बहुत साफ है, जो काम किया अभी अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ सब हमने बना दिया, अरे कम से कम शर्म तो करो, उत्तर प्रदेश की जनता है ये देख रही है कि डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सैफ खान आपके पास आऊंगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें आज उनकी भी बैठक यहाँ पर हो रही है, तो उस बैठक में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है ये तो पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अगर हम प्रदेश में देखें तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें कैसे अपने आप को स्थापित करेंगे?
देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इस बात का जो जवाब ये दूं कि हमने उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्ष का जो है दर्जा जो है वो निभाया है, चाहे वो हाथरस का भी जिक्र हुआ हो। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कॉलर तक पकड़ा गया था जब ये उस बच्ची को ढाई बजे के करीब जो है पेट्रोल डाल के आग लगा रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, ये ऐसे बौखलाहट जो है, अगर ये सोचते हैं बीच में, और ये योगी जी किसके लिए बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, जो खुद हिंदू महासभा जो है खुद सरकार मार्च 3 1943 को साथ में मिलके मुस्लिम लीग के बनाती है बंगाल में, ये लोग बात करेंगे। और ये वो सावरकर जो जो जून 17 को 1943 से कांग्रेस के खिलाफ मिलने के लिए गए थे जिन्ना से, ये लोग बात करेंगे। आडवाणी जी का देखिए ना, लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते थे जिन्ना को, ग्रेट महान आदमी। मिश्रा जी जवाब देते रहिए साथ। और साथ साथ में अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे बड़े सेक्युलर हैं जिन्ना जी। अरे बाबर और हुमायूं का कसीदा है ये है आप लोगों की, तो क्या योगी जी जो खुद क्रिमिनल है, क्रिमिनल्स की बात कर रहे थे, थोड़ी सी मर्यादा बनाए रखिए साहब जी, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा सोच कर बोलिए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता फिर जवाब देगी। 32 साल कांग्रेस बिहार, आपका नारा आपको सुना रहा हूँ, और इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं। अरे बाबर और हुमायूं के नाम पे वोट पाओगे, जिन्ना के नाम पे वोट लोगे? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत माकूल जवाब दे दी है कांग्रेस के साथी को। तो खास तौर पर बता दूं, ये ठीक है, ठीक है दीपक मैं आपके पास आऊंगा। गोरखपुर की अगर हम बात करें और पूरे पूर्वांचल की बात करें, तो सबसे ज्यादा इस वक्त सारे जो नेता हैं वो दौड़ लगा रहे पूर्वांचल की, और उसके पीछे वजह यह भी है कि जिसने पूर्वांचल जीता उसने उत्तर प्रदेश जीता, ये बात भी की जा रही है। पिछले अगर हम देखें कुछ समय को, तो आजमगढ़ में वहां पर जमावड़ा लगा था, वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और गोरखपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो वो गृह जनपद कहा जाता है और वहां से वो लगातार सांसद भी रहे हैं, और अब हम देखें पिछले दिनों पर अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने रथ यात्रा वहां से निकाली थी, उस दौरान भी जमावड़ा था। आज की रैली की अगर हम बात करें और दोनों की तुलना करें, तो कौन प्लस रहा? देखिए, आज की रैली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो खासियत आज की रैली में और दूसरी रैलियों में ये था कि आज सिर्फ कार्यकर्ताओं के जो बूथ अध्यक्ष हैं पार्टी की बीजेपी के, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था, दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं बुलाया गया था। और इनकी संख्या 27,640 की लगभग थी। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं इन क्षेत्रों के, इन 10 जिलों के सांसद हैं, जो मंत्री केंद्र और राज्य सरकार में हैं, उनको बुलाया गया था। तो अगर हम उस भीड़ से इस भीड़ की तुलना करते हैं तो ये तुलना बेमानी होगी, क्योंकि वो कार्यकर्ता थे, उसमें अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे थे, लेकिन आज सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था जिनको आज बूथ लेवल के अध्यक्ष के लिए जिनको मंत्र देना था। जी बिल्कुल, वो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में यहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अनुराग भदौरिया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा एक पर्ची थी और उसपे 500 रुपए की वो पर्ची वायरल हो रही थी कि जैसे ही जनसभा ये पूरी होगी उसमें जो भीड़ जुटाई गई थी और उसके बाद 500 रुपए दिए जाएंगे, तो वो 500 रुपए वाली भीड़ और दूसरी भीड़ में तुलना की जा सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ और जुमलेबाज पार्टी, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। नहीं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता बांट रहे थे पैसे, वीडियो है सामने। हाँ, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जो रथ निकला और रात रात भर लोग वहां पे दौड़ते रहे, रात रात भर लोग उस रथ का इंतजार करते रहे कि एक बार एक झलक पाएंगे, क्योंकि उनको पता था यही वो नेता है जो उत्तर प्रदेश की किस्मत को बदलेगा, यही वो नेता है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगा। पूरी रात रात भर लोगों ने, लाखों लोगों ने इंतजार किया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना डर गए, डरते ही जैसे ही वो रथ यात्रा निकला, दूसरे दिन किसान बिल पे भी जोर आ गया और इनकी भाषा शैली बदल गई। संजीव जी जवाब दीजिए, क्या भाषा शैली थी उसके पहले, क्या भाषा चली थी? समय कम है, संजीव जी बोलिए। भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस कहने वाले, रोड पे दौड़ रहे ये भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस कहने वाले, ये आज ये बात बता रहे हैं हमको? और फिर कह दे रहा हूँ, चाहे ये कितना तिकड़म ताल कर ले, बड़े दलों से गठबंधन कर चुके, छोटे दलों से भी आने वाले जिंदा के नाम पे भगवान का नाम लेके वोट नहीं किया, उत्तर प्रदेश का भी कोई मंदिर बनाया, वोट अगर चाह रहे हो
हो ठीक ठीक है। सैफ खान, अनुराग भदौरिया, संजीव मिश्रा और हमारे सहयोगी दीपक जुड़े थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो 2022 के महासमर से पहले लगातार सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कोशिशें लगातार शुरू कर दी हैं, भीड़ जुटाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों का जो सम्मेलन किया था उसमें ही भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है, हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।